किसी को चोट तो नहीं लगी? रेल गाड़ी में वैसे तो किसी को चोट लगी नहीं, आई थिंक। रोड ब्लॉक हो रखे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एटीएम एंड पेटीएम दोनों नहीं चल रहे हैं। ब्लैक आईज बन जाएगा। बीजेपी जिंदाबाद। यहाँ की जनसंख्या है 30। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये हमारा डे 4 है। भाई धूप निकल चुकी है, गाड़ी को हमने वहाँ खड़ा करना था, धूप यहाँ भी आ चुकी है, अभी गाड़ी स्टार्ट कर देते। तो भाई इन्होंने तो अपनी इनोवा को पूरी रात स्टार्ट रखा है, ये भी पूरी रात स्टार्ट थी। अभी हम अपने इसको हटा के कवर को हटा के देख लेते हैं, ये कवर जम चुका है पूरा। तो भाई ये कवर हमें दिया था इन्हीं भैया ने, होम स्टे वाले भैया ने, एंड ये है हमारा होम स्टे, ये है मंडाला रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। तो भाई अभी स्टार्ट करने से पहले ना गाड़ी को थोड़ी देर धूप लगा देते हैं, इसका बोनट खोल के आधे घंटे के करीब, उसके बाद करेंगे इसे स्टार्ट। तो भाई गाड़ी के नीचे तो अभी बर्फ जमी नहीं है इसमें, एंड आज मौसम अब ठीक है, अब कोई बर्फ नहीं पड़ेगी। धूप निकली हुई है बहुत प्यारी। तो भाई ये गाड़ी अभी आई है बाहर से, एंड ये भैया बोल रहे हैं कि रोड ब्लॉक हो रखे हैं, हम अभी भी अपनी गाड़ी में धूप लगा रहे हैं, जितना ज्यादा गर्म हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो भाई करीब एक घंटे से ऊपर हो चुका है एंड धूप लग चुकी है बहुत गाड़ी में, तो अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं, भैया बोल रहे हैं हो जाएगी। मौसम वैसे भी गर्म था, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो मौसम गर्म रहता है एंड जब बर्फ रुक जाती है तो ज़्यादा ठंडा होता है। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, सिंगल क्रैंक स्टार्ट भाई। तो भाई यहाँ सभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, हमारी भी स्टार्ट है। तो भाई हम हो चुके हैं सब रेडी, एक बार आपको रूम टूर दे देता हूँ। तो भाई ये है होम स्टे, सबसे बड़ी चीज कि वॉशरूम यहाँ बंद है, एंड ये है डबल बेड है, 3 बंदे आप आराम से सेट हो सकते हो उसपे, और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिल जाएगा। ठंड लग रही है भाई, काफी ज्यादा ठंड है, अभी धूप निकली हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर है अभी फिलहाल -16। भाई हम रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं प्लाजा से, ये है बोलेरो कैंपर। अभी क्या कहते हैं, जो लोग इनोवा एंड ये ट्रेवलर से जो आए हैं ना, ये कार्स ऊपर नहीं जा सकती चीचम साइड, तो यहाँ पे ना इन्होंने रेंट पे लिया है, एंड रेंट पे लेके ये चीचम हिक्किम कॉमिक लांगजैन की मोनेस्ट्री ये सब घुमा के लेके आएंगे इन्हें 9000 रुपए में। तो ये है भाई काजा मार्केट, इस तरफ जा रहा है काजा बस स्टैंड की तरफ का रोड। तो भाई अभी काजा से निकले थे और हम निकल रहे थे रेकोंगपियो की तरफ, यहाँ ये लोग बोल रहे हैं मेलिंग नाला आप 5 बजे से पहले क्रॉस कर लो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज़्यादा हाइट पे है, जब हम डाउन नीचे उतरेंगे तो हमारी गाड़ी स्लिप हो सकती है। काजा 0 किलोमीटर, काजा एंड रंगरे। ये है भाई विंटर स्पीति, पूरा वाइट हो चुका है, आज शाम की भी बर्फ है यहाँ पे, लोग बोल रहे हैं कि आज शाम की बर्फ है। तो भाई अभी डलवा रहे हैं डीजल। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एटीएम एंड पेटीएम दोनों नहीं चल रहे हैं, मेरी गाड़ी में 4 पॉइंट है अभी, कुछ दिनों में ना ये ब्लैक आईज बन जाएगा और फिर ज्यादा मुश्किल होगी। तो भाई धूप निकल रही है और बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, हम निकल चुके हैं मेलिंग नाला की तरफ, गाड़ी अलर्ट कर रही है कोई डोर ओपन है। तो ये है भाई नीचे स्पीति रिवर, भाई आपने मेरी वीडियो में देखा होगा आते वक्त जब हम आए थे यहाँ काजा, तो यहाँ के पहाड़ कैसे थे एंड अभी पूरे वाइट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। भाई देखो
ये जब हम आए थे ना तो ये पूरा ब्राउन था, रोड का कलर था, रोड दिख रहा था हमें, एक भी परसेंट बर्फ नहीं थी, और अभी आप देख सकते हो पूरा वाइट हो चुका है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो भाई स्पीति क्रॉस हो चुका है और अब हम आ चुके हैं इस ऑफ रोड ट्रैक पे। तो भाई सीधे जाएंगे हम टाबो एंड ये है पिन वैली। तो समर्स में करेंगे भाई पिन वैली धनकड़ गोम्पा, ये सब हमें समर्स में करना है। ये ना भाई ये जो कर्व्स है ना, ये कट्स है, ये एकदम टर्न है ना, ये जो टर्न्स है ना भाई, ये एकदम से ऐसे लेफ्ट में ब्लाइंड टर्न है, इन पर थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा। जुले भाई बाइक पे जाना ना हिम्मत है यार, बहुत टफ है। हैट्स ऑफ है भाई, दिस फॉर यू, थैंक यू। जुले बाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई वापस उन्हीं गांव में जो जाते वक्त दिखाए थे। तो यहाँ पे भी बर्फ पड़ी है, लेकिन यहाँ ना इतनी बर्फ नहीं है जितनी पीछे स्पीति में पड़ी थी। रुके हैं यहाँ पे, देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत कम बर्फ है, स्पीति में काफी ज्यादा बर्फ है, इन पे है बर्फ, जो भी पहाड़ हाइट पे है ना वहाँ ज्यादा बर्फ है, यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ नहीं है। 1 बज रहा है, हमें स्पीति के लोकल्स ने हमें सजेस्ट किया था कि हम 5 बजे से पहले मेलिंग नाला क्रॉस कर ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो देखते हैं मेलिंग नाला पे दोस्तों, हमें स्नो चेन लगाने की जरूरत पड़ेगी यानी, और गाड़ी पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया है आइस की वजह से, आप देख सकते हो आइस भी जमी हुई है, गाड़ी बहुत गंदी है, मिरर्स पे भी ऐसी हो रखा है, एंड छत की बर्फ पिघल चुकी है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई देख लो बीजेपी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ देख सकते हो आप बिल्कुल ब्लू कलर है, बहुत साफ। तो दोस्तों ये है क्यूरित एंड यहाँ की जनसंख्या है 30। यहाँ से मेलिंग नाला है 65 किलोमीटर, टापो का ब्रिज। तो भाई यहाँ से शिमला है 366 किलोमीटर। तो भाई अभी हमने होरलिंग क्रॉस किया है एंड लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, एंड राइट साइड में पहाड़ पे बर्फ। जय माता दी, लेट्स गो। ये है वो रास्ता ग्यू विलेज, जहाँ पे कुछ 500 साल पुरानी मम्मी है, 500 old year mummy। तो भाई मैं थैंक्स टू BRO जरूर बोलूंगा, आप एक बार BRO का ये मैसेज देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, थैंक्स टू BRO। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मेलिंग नाला एंड 4 बज रहे हैं। यही तो दिख बोला था उसने कि ये छोटा सा वो है वो। तो भाई अभी हम हैं नाको लेक एंड अभी हमें एक ढाबा मिला है सोमन ढाबा, तो हम यहाँ पे कुछ खा लेते हैं एंड उसके बाद निकलेंगे आगे। देखो भाई गाड़ी i20 है, थोड़ा निकलवाने में हेल्प कर देते हैं, या तो फिर स्नो है यहाँ, यहाँ ना दोस्तों मिट्टी डाली हुई है अभी। तो भाई गाड़ी को टो कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं यहाँ से, लेट वगैरह निकल गया गाड़ी का, निकल रहा है। तो भाई गाड़ी में वैसे तो किसी को चोट लगी नहीं है, आई थिंक किसी को चोट तो नहीं लगी। कहाँ गए जिन ऑनर, कहाँ है कल का है, कैसे गिरी है, स्लिप हो गई जी भाई, यहाँ बर्फ पे स्किट हो गई है। गाड़ी में ज्यादा डैमेज नहीं आया, कूलर निकल गया, नीचे से चोट आई है, हम भी सेफ ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो और आप इस रूट पे आ रहे हो या किसी भी रूट पे आ रहे हो जहाँ बर्फ पड़ रही हो, तो भाई सेफ ड्राइव करें, चलते हैं आगे। जब ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है ना तो मिट्टी डाल देते ताकि गाड़ियां स्लिप ना हो, जैसे कि आपने पीछे एक वीडियो में देखा होगा कि वो गाड़ी स्लिप होके एंड वो नीचे गिर गई थी, ब्लैक आईज ना बने एंड गाड़ियां स्लिप भी ना हो। तो भाई हम फाइनली वहां पहुंच चुके हैं, 5:46 हो रहे हैं। चलो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सोलन, ये है हमारा day 5। भाई हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव। तो भाई इस पूरे स्पीति ट्रिप में मेरी गाड़ी चली है 1600 किलोमीटर। तो मैं इस ब्लॉग को करता हूं यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।